तो आज हम पहुंचे हैं बीबीके डे कॉलेज में, और सबसे बड़ी बात, मैं हूं आपका दोस्त लल्लो हिंदुस्तानी। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि यहां पे कुदरत के सब बंदे और वो पंजाब भी, दोनों को हम दर्शन करवाएंगे। यहां पे एक सेमिनार चल रहा है, और सेमिनार में देश विदेश दुनिया से यहां पर बाबा नानक को लेकर रिसर्च चल रही है, और रिसर्च पेपर में अलग अलग बच्चों ने अपनी अपनी जो रिसर्च पेपर है वो यहां पे पढ़े हैं, गुरुओं ने भी पढ़े हैं। तो हम आज बात करते हैं, सीधा चलते हैं देवी कॉलेज में। तो हम जानते हैं इन बच्चों से कि बाबा नानक की धरती पर, गुरु रामदास की बसाई नगरी में, आखिर ये बाबा नानक को कितना जानते हैं। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਗੇਟ ਕਾਲਜ ਦੀ ਛਾਤਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਸੇ, ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕਿਆ ਹੈ? अवनीत कौर। अवनीत कौर जी, ये बताइए, बाबा नानक की वाणी कितने हम लोग मानते हैं, व्यापार कितना उनकी वाणी मानता है, कि बाबा नानक का जो सच्चा सौदा था वो क्या था? ईमानदारी थी, और आज ईमानदारी, आज के जमाने में बाबा नानक को हम मानते हैं या ईमानदारी नहीं मानते, ये बात सही है या गलत? आज के जैसे कि गुरु नानक देव जी ने कहा था कि किरत करो, जैसे उन्होंने सच्चा सौदा किया था, तो एक तरह का वो किरत करो ही था, कि एक ईमानदारी से उन्होंने अपना सच्चा सौदा किया। उन्होंने, उनके पापा ने उनको पैसे दिए थे कि जाके व्यापार करो, लेकिन उन्होंने व्यापार नहीं किया। उन्होंने रास्ते में कुछ साधु देखे और उन्होंने सच्चा मतलब सौदा दिया, लंगर छकाया, और उससे उनके पापा गुस्से भी हुए थे। इसीलिए वो कहते हैं कि आजकल जैसे ईमानदारी है नहीं लोगों में। बड़ा बड़ा जवाब दिया इस बेटे ने, कहा ईमानदारी आजकल है नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, या आप मुझे बताइए कि देवीगढ़ कॉलेज में जो बाबा नानक को समर्पित यह सेमिनार हो रहा है, इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, बाबा नानक की वाणी प्रसार प्रचार होगा इससे? होगा, क्योंकि जैसे उन्होंने 3 हमें सिखियाएं दी थी कि मतलब वर्ण चको, नाम कर मतलब नाम जपो, किरत करो, इनसे फिर थोड़ा ब्लेसिंग्स का भी उनका उपचार होगा, कि उन्होंने ये हमें ब्लेसिंग्स दी थी, फिर लोग थोड़ा थोड़ा फॉलो करना शुरू करेंगे। मतलब यही हमने इसी मतलब उम्मीद से शुरू किया था कि ये सारे लोग फॉलो करें ये चीज, और गुरु नानक देव जी की। बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ी बात है कि बाबा नानक की वाणी, और बीबीके कॉलेज में हम खड़े हैं, और ये है ऐसी छात्रा है जो बाबा नानक के विचारों को मानते हैं। हम आगे चलते हैं, और सबसे बड़ी बात है, हम बात करते हैं इन बच्चों से, तो जानते हैं आपसे, देखिए ये बच्चे कैसे भाग रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि भागने वाले बच्चों, होशियार बच्चे हैं ये जो भाग रहे हैं। तो रही बात, हम आगे बात करेंगे अगले सिलसिले में, फिर मिलते हैं, और तब तक देखते रहिए लल्लू हिंदुस्तानी को लाइव अमृतसर पर। जय हिंद, जय भारत।